इंदौर भवरकुआ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। यह चोर गिरोह चाबी बनाने के लिए कॉलोनियों में घूमते थे और रेकी कर सूने मकानों को अपना निशाना बनाते थे। वही आरोपियों ने मुथूट और अन्य लोन कंपनियों में अपने खाते खुलवा रखे थे, जिससे आसानी से चोरी के सोने पर लोन ले लेते थे। पकड़े गए आरोपियों से सोने चांदी के जेवर सहित 14 लाख रुपए का माल बरामद किया। भवरकुआं थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी। वही चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस इन चोरों पर लगातार नजर रखे हुए थी। वही कल चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा। वो उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 14 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर सहित इलेक्ट्रिक उपकरण भी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह चाबी बनाने का काम करते हैं और उसी दौरान कॉलोनी में घूमकर सोने मकानों की रेकी करते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं जब इनके हाथ सोने के जेवरात लगते थे तो उन्हें मुथूट फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख लोन ले लेते थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज हैं। वहीं पूछताछ में और भी मामलों के खुलासे होने की संभावना है। विगत कई समय से भवरकुआं तथा आसपास के थाना क्षेत्रों में हुई चोरी और नकबजनी की वारदातों की पतारसी में थाना भवरकुआं में एक अति उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। हमारे दो आरक्षक संतोष, सतीश और संजय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने चार संदिग्ध आरोपियों को भवरकुआं क्षेत्र की कॉलोनियों में घूमते हुए पकड़ा। जब उनसे लगातार पूछताछ की गई तो उन्होंने भवरकुआं थाना क्षेत्र की 15 से अधिक चोरी की वारदात करना स्वीकार किया और उनका माल पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। आरोपियां कंबल बेचने, चाबी बनाने का काम करते और इसी के बहाने सूने मकानों की रेकी करते। जब किसी मकान में ताला दिखता तो फिर उसका ताला तोड़कर चोरी करते और सोने की अफरा थपी करते थे। जो एक नई चीज सामने आई है कि ज़्यादातर चोरियों में चुराए गए सोने को ये किसी दुकानदार को या सराफा में नहीं बेचते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि वहाँ पर पकड़ जाएंगे या पुलिस को सूचना हो जाएगी। तो मुथूट फाइनेंस और IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन स्कीम के तहत नानक और आनंद दो आरोपियों ने वहाँ नानक और पंकज दो आरोपियों ने उस पर बैंक में खाते खोले हैं और चोरी की वारदातों का कई बार ये सोना वहाँ पर गिरवी रख देते थे और समयावधि में पैसा नहीं चुकाने से वो उनका सोना नीलाम हो जाता था। पुलिस के द्वारा मुथूट फाइनेंस से भी जो जो सोना इन आरोपियों ने गिरवी रखा था, जो अभी बैंक के पोजीशन में था, वो भी पुलिस के द्वारा विधिवत रिकवर किया गया है। मुथूट फाइनेंस तथा IIFL फाइनेंस कंपनी को जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनके जो प्रबंधक हैं वहां भी पुलिस के द्वारा लिखा जा रहा है कि इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बार बार सोना जमा करा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों की सूचना थाने पर दें ताकि उनके बारे में आगे तस्दीक और वेरीफाई की। इंदौर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।